सब मालिक बन। तो मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ इस कड़कड़ाती धूप में, जो आप तमाम गांव गांव से चल करके नागेंद्र कुमार जी को जिताने के लिए जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस मौके पर हम आप तमाम लोग से यही गुजारिश करेंगे कि सबसे ज्यादा जो नागेंद्र जी का जो डिमांड है कि ग्राम समाज को मजबूत करना, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि सबसे कमजोर है यदि 17 साल में नीतीश कुमार ने किसी संस्थान को किया होगा तो ग्राम सभा को करने का काम किया। आज ग्राम सभा एक भाग सदस्य की जो ताकत है लोकतंत्र में सबसे बुनियादी इकाई है, उसका कोई इंदिरा आवास सहायक भी नहीं सुनता। एक मुखिया का इंदिरा आवास सहायक नहीं सुनता, उसका सचिव मुखिया जी का जो सचिव होते हैं उनका कोई नहीं सुनता। आज जनप्रतिनिधि आज 5-6 महीना पहले जो चुनाव हुआ, जो चुनाव जीत करके आए हैं, दर्जनों की संख्या में उनकी हत्या हुई है, इस सवाल यदि सदन में हम लोग उठाते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग हो हल्ला करके इस सवाल को दबा देते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि हम लोग विधायक हो गए, कल विधायक नहीं रहेंगे, लेकिन हमको पेंशन तो मिलेगा, एक बॉडीगार्ड तो मिलेगा, लेकिन आज 50,000 संख्या में यदि आप जिला परिषद बन के आए हैं आपका आपको तनख्वाह कितना मिलता है? 2,500 रुपया में मोटरसाइकिल से भी मिलता पार नहीं लगेगा भैया। ये स्थिति है हमारे जिला परिषद, ये स्थिति है मुखिया जी का, 2,500 रुपया मिलता है वो भी समय पे नहीं मिलता है, 500 रुपया मिलता है, ये स्थिति है। तो हम पूछना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इन न्याय के साथ विकास कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं? यदि न्याय के साथ विकास करना चाहते हैं तो जिला परिषद को 50,000 रुपया तनखा तय कीजिए, यदि न्याय के साथ विकास करना चाहते हैं तो मुखिया को 30,000 तनखा तय कीजिए, पंचायत समिति को 15,000 तनखा तय कीजिए और वार्ड सदस्य को 10,000 तनखा तय कीजिए, तब देखिए बिहार का न्याय के साथ विकास। और यदि हम 5 साल बाद चुनाव हार गए तो उनके लिए कम से कम 5,000 पेंशन की व्यवस्था कीजिए। यदि आप कुमार नागेंद्र जी को चुनाव जिता करके भेजते हैं तो हम आपको वादा करते हैं कि हम लोग विधानसभा में इन सवाल को लेकर के हल्ला करेंगे और ऊपरी सदन में कुमार नागेंद्र जी आपके लिए हल्ला करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों आप तमाम लोग से यही गुजारिश चाहते हैं कि आप अपना एक एक कीमती मत कुमार नागेंद्र जी को दीजिए। बहुत सर्टिफिकेट का हेरा फेरी हुआ है, लेकिन यहाँ पर वोटर भी आया हुआ है और जो उन वोटरों को 6 महीना पहले वोट दिए हैं वो भी आए हुए हैं, तो उन वोटरों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने वार्ड सदस्य पे नजर रखिए, आप अपने पंचायत समिति पे नजर रखिए, मुखिया जी पर नजर रखिए, वो किसको वोट देने जा रहा है, कहाँ कहाँ पर नाफूसकी कर रहा है, इन तमाम बातों पर नजर रखिए। यदि आप कुमार नागेंद्र जी को उपरी जी को देकर के भारी मतों से विजय बना ले साथियों।